हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको बताया भी था, आज फिर से एक बार आपको नोटिस कर देता हूं। सैटरडे को यानी दिन शनिवार को, इसी सैटरडे को मैं आपसे जो है लाइव मिलूंगा, और सभी लोग जो भी आपकी परेशानी होगी, जो भी मैथ्स में आपको दिक्कत आ रही हो या कुछ और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या कुछ और आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप लाइव जो है चैट कर सकते हैं और मैं आपकी सभी जो है दिक्कतें जो है दूर करने की कोशिश भरपूर करूंगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज यानी आयु से संबंधित जो प्रश्न होंगे, जो आयु पर आधारित प्रश्न हैं, उन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ बातें हम लोग समझ लेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु पर आधारित प्रश्न। तो आयु पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ जो है प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और प्रश्न देखने से पहले कुछ बातें हम लोग यहाँ पर नोटिफाई करेंगे ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। जैसे जब भी कहा जाए कि भाई दो व्यक्तियों का, चाहे दो व्यक्ति पिता पुत्र हो, ठीक है, दो व्यक्ति हो, माता पुत्री हो या फिर पिता पुत्र हो या कोई मित्र हो, ठीक है, तो दो व्यक्तियों की आयु का अगर अनुपात दिया रहे, क्या किसका दिया रहे, आयु का अनुपात, ठीक है। तो आयु का अगर अनुपात दिया रहे, मान लो जैसे 3:2 दिया है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है, तो आप तुरंत क्या कर लोगे, एक को 3x मान लोगे और एक को 2x मान लोगे, ठीक है। यानी इन दोनों में, एक में 3x हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा, 2x। आप मान लोगे कि वह जो व्यक्तियों की जो आयु है, एक 3x है और एक 2x है, क्लियर है, ठीक है। वाई नहीं मानेंगे, दोनों में यक्स ही मानेंगे, ठीक है, एक 3x और एक 2x कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा जब भी अगर पिता कहा जाएगा, पिता हमेशा पुत्र से क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। तो जब भी अगर बराबर करने को आएगा, पिता हमेशा भाई पुत्र से तो बड़ा होगा, पुत्र तो कभी बड़ा हो नहीं सकता, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि जब भी कहा जाए कि भाई 2 साल पहले पिता पुत्र क्या 3 गुना था, 4 साल बाद जो है पिता पुत्र का कितना गुना हो जाएगा, या 3-4 गुना है, ठीक है, तो हमेशा पुत्र वाले जितना गुना कहेगा, जितना गुना, ठीक है, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम जितना भी कहेगा, हमेशा पुत्र वाले में मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा किस में मल्टीप्लाई करोगे, पुत्र वाले में। जैसे मैं कहूँ कि पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना क्या है, बड़ा है। अब पुत्र जो है, अपने पुत्र से अगर 3 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पिता और पुत्र आपस में बराबर तब होंगे, पिता पुत्र आपस में बराबर तब होंगे जब 3 का मल्टीप्लाई आप किस में कर दोगे, पुत्र में। बात समझ में आ गई। तो हमेशा पिता और पुत्र को हमेशा हमको इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में बराबर करना होता है, और हमेशा हम पुत्र वाले में ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर गुना कहेगा तो गुणा करेंगे, 4 गुना 5 गुना आधा हो जाता है, तिहाई हो जाता है, जो भी रहेगा वो उतना हम गुणा कर देंगे। और अगर कहा जाता है कि भाई 10 साल बड़ा है, 50 साल बड़ा है, ठीक है, तो पुत्र वाले में जोड़ देंगे। जैसे मान लो कहा कि पिता अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है, पिता अपने पुत्र से 25 वर्ष क्या है, बड़ा है। तो पिता अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है का मतलब क्या हो गया कि पिता पुत्र आपस में बराबर कब होंगे, तो पिता और पुत्र आपस में बराबर तब होंगे जब हम पुत्र में, अगर बड़ा है तो आप क्या करोगे कि 25 साल उसमें जोड़ दोगे, किस में, पुत्र में। अगर पुत्र में 25 साल जोड़ दोगे तो पिता पुत्र आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात जो ध्यान में रखनी है यह कि अगर कहा जाए कि पिता, ठीक है, यानी मान लो कहा कि पिता अपने पुत्र से
दो गुना बड़ा है, दो गुना बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होगा? तो जब भी अगर 4 वर्ष बाद कहा जाएगा, तो बाद कहा जाएगा या पश्चात, ठीक है? यहाँ पे बाद शब्द हो या पश्चात, इंग्लिश में आफ्टर है ना, यानी आफ्टर शब्द होगा, पश्चात शब्द होगा या बाद शब्द होगा, तो आप क्या करोगे, उतना ही जोड़ दोगे। 4 वर्ष कह रहा है तो पुत्र में भी 4 जोड़ोगे और पिता में भी, पिता में भी 4 जोड़ोगे और पुत्र में भी क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर यही 4 वर्ष पूर्व लिखा होता, 4 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, तो 4 वर्ष पहले लिखा होता, 4 वर्ष पूर्व लिखा होता, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते कि पिता में आप क्या करोगे, 4 घटा 4 साल पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो पहले जाओगे तो पीछे जाओगे, और पीछे का मतलब होता है घटाना, ठीक है? तो पुत्र में भी आप क्या करोगे, 4 घटा, दोनों में ही काम करेंगे, ठीक है? पिता भी यानी 4 साल पहले की बात हो रही है, तो 4 साल पहले दोनों के में बात होगी, पिता की भी बात होगी और पुत्र की भी बात होगी। बात इतनी मेरी आप समझ पाए, ठीक है? तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। चले अब प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने कि 4 भाइयों का, ठीक है, 4 भाइयों की आयु का योग, तो 4 भाई हैं, उनकी आयु का योग दिया है 56 वर्ष, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। अंतर कितना है, समान रूप से 4 वर्ष, मतलब आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि अगर एक पुत्र, 4 वर्ष समान है, सबसे बड़े भाई की आयु, तो भाई हम मान लेते हैं एक यक्ष वर्ष है, तो इनकी आयु का जो अंतर है, सभी में 4 साल का डिफरेंस है, तो इसका मतलब अगला यक्ष प्लस 4 वर्ष का होगा, अगला यक्ष प्लस 8 वर्ष का होगा, और अगला यक्ष प्लस कितने वर्ष का होगा, 12 वर्ष का होगा। बात समझ में आ गई? ये सभी इसी इसी वर्ष में होंगे। कह रहा है ना कि भाई अगर हम एक को यक्ष वर्ष मान ले, तो अगला यक्ष प्लस 4 होगा, 4 साल बड़ा होगा इससे, फिर अगला जो है 4 साल बड़ा होगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा, और फिर अगला जो है 4 साल और बड़ा होगा, यानी इस तरह से ये भाई है। बात समझ में आ रही है? हर भाई के अंतर में कितने का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस, क्लियर है? अब कह रहा है कि अब इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो तब सबसे छोटा तो यही है और सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है, तो इसी की उम्र पूछ रहा है कि इसका उम्र कितना है, कुल भाई कितने हैं, तो कुल भाई का योग 56 वर्ष है, तो सभी को जोड़ दो, यानी x+x+4+x+8, यानी हम सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और x+12, सभी को हमने जोड़ दिया, बराबर कुल कितने हैं, 56 वर्ष है, तो यक्ष यक्ष कितनी बार है, 4 बार है, तो ये 4 यक्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 4 12, 12 और 12 24 हो जाएगा, और बराबर इधर हो गया आपका 56, तो 4x बराबर ये हो गया आपका 56-24, तो x बराबर हो जाएगा, भाई 4 का इसमें क्या हो जाएगा भाग, तो पहले घटा लो, तो 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 2 निकल गया 3/4, तो 4 8 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है? यानी सब x कौन है, सबसे छोटा वाला है, अगर सबसे छोटा वाला पूछता तो वह 8 वर्ष का है, लेकिन पूछा है कौन, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला पूछा है, तो यक्ष, यक्ष का मान कितना आ गया, तो 8, तो यहाँ पे आप 8 रख दोगे, और +12, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, यानी बड़ा वाला कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो बड़ा वाला कुल कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है, यानी हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में बात आ गई, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है? चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है? और जो आयु पर आधारित जो प्रश्न आते हैं बहुत सरल आते हैं, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कैसे क्या करना है, जैसे कहे बस वैसे आप करते चले जाओ। अगले प्रश्न में, दूसरे वाले प्रश्न में कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, अब देखो यहाँ अनुपात आ गया, ठीक है, दो व्यक्ति हैं और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा
30 वर्ष अधिक है। अब आयु देखो भाई, 4:7 दिया था, ठीक है, तो एक को मान लोगे 4x और दूसरे को मान लोगे 7x। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? ऐसे ही अनुपात में दे, तुरंत आप ये कर लोगे। ये पहला तो कह रहा है कि एक की आयु दूसरे की अपेक्षा, यानी ये पहले की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 30, पहला वाला। फिर से समझिए, एक व्यक्ति की आयु दूसरे वर्ष की, दूसरे व्यक्ति की आयु के कितना ज्यादा है? 30 वर्ष, ये ज्यादा है। तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे? तो दोनों आपस में बराबर तब होंगे जब हम इसमें 30 जोड़ दें, यानी कि 7x+ हम क्या कर देंगे? 30। बात समझ में आ रही है? 7x+ हम क्या कर देंगे? 30। अच्छा, उनमें से एक व्यक्ति, अच्छा यहाँ ध्यान रखें, पहले यहीं पर देख लें, ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति हो गया 4x, ये व्यक्ति हो गया 7x, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, बेशक सी बात है, 7x है तो ये बड़ा होगा कि नहीं भाई? 7x है तो ये बड़ा होगा, और ये 4x है तो ये छोटा होगा। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला व्यक्ति है वह छोटे वाले व्यक्ति से कितना ज्यादा है? 30 साल ज्यादा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 30 जोड़ेंगे। जब हम इसमें 4x में 30 जोड़ देंगे तो दोनों की आयु आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये 30 साल ज्यादा था, तो अगर हम इसमें 30 जोड़ दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? 4x इधर घटा दोगे तो ये आपका बचेगा 3x। 3x बराबर कितना हो गया? 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। x, ये x का मान आया 10, ठीक है। पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि उनकी आयु का योगफल, तो उनकी आयु का योगफल पूछा है, तो दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है, यानी 4x+7x, दोनों की आयु का योग पूछा है। क्या पूछा है? योग पूछा है। तो आयु का योग कितना हो गया? 11, 7, 4, 11x। यक्ष का मान आया है, यक्ष का मान कितना आया है? 10। तो आपका कितना हो जाएगा? 110 वर्ष हो गया। तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 110 वर्ष। कितना हो जाएगा? 110 वर्ष, ठीक है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है किसी भाई बहन को इसमें कोई समस्या? बहुत ही जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत घुमावदार होते हैं, हम लोग देखेंगे जो कि यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन होंगे। चलिए अभी हम लोग पहले बेसिक बेसिक सारी चीजें आप जान लीजिए। फिर कह रहा है तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। तीन लड़कों की औसत, अब औसत दिया है तो आपको तुरंत आपके माइंड में जो है क्लिक कर देना चाहिए भाई कितने लड़के हैं? तीन लड़के हैं, तो उनका कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग यानी तीनों लड़कों का जो कुल योग होगा, तो आप जानते हो कि मैंने आपको बताया ही, क्या बताया है कि औसत इंटू संख्या, संख्या मतलब जितने लड़के हैं, औसत इंटू संख्या। औसत कितना है तीनों लड़कों का? 15 है। संख्या कितने हैं? तीन लड़के हैं, तो 15 तिया कितना हो गया? 45। यानी उन तीनों लड़कों के कुल एज को जोड़ दिया जाए तो 45 वर्ष हो जाएगा। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। अब कुल 45 वर्ष आदि आयु हो जाएगी। तो और उनकी अनुपात दिया है, अनुपात दिया है, ठीक है, 3, 5, 7। तो हम जानते हैं कि जब भी अनुपात दिया रहेगा, तो अनुपात जैसे दिया रहेगा, आप मान लो 3x, 5x और 7x, यानी इन तीनों लड़कों की आयु 3x, 5x और 7x, ठीक है। अच्छा, अब अगर इन तीनों लड़कों को जोड़ दें, तीनों लड़कों को अगर हम जोड़ दें तो बराबर कितना आएगा भाई? 45 ही तो आएगा, ये तीनों लड़कों का योग ही तो है, तो तीनों लड़कों का जोड़ इतना आएगा। तो 7, 5, 12 और 3, 15, यक्ष बराबर 45। तो यक्ष बराबर 45/15, 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा? तो यक्ष बराबर आ जाएगा आपका 3 वर्ष। कितना आ जाएगा? 3 वर्ष आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? अच्छा, ये यक्ष का मान है। पूछा क्या था आपसे? सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटा कौन है भाई? तो इसमें सबसे छोटा लड़का है ये वाला, ठीक है, ये बीच वाला है, ये सबसे बड़ा है। तो 3x सबसे छोटा है, ठीक है। तो जो छोटे लड़के की आयु होगी, छोटे लड़के की आयु, छोटे लड़के की आयु
तो छोटे लड़के की आयु कुल कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 3x, और 3x का मतलब 3 × 3, यानी वह कुल कितने वर्ष का है? तो 9 वर्ष का है। वह लड़का कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बी वाला आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई समस्या इसमें किसी भाई बहन को? ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रंजना तथा राखी की आयु क्रमशः 15 अनुपात, ठीक है, ये 15 अनुपात होना चाहिए, ठीक है, लिखा सही है लेकिन ये इस तरह से। तो रंजना और राखी की आयु का क्रमशः अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष के पश्चात रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, ठीक है, 6 वर्ष पश्चात। तो 6 वर्ष के पश्चात रंजना की आयु कितनी होगी? तो 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, रंजना की आयु बताइए। तो जब भी अनुपात में रहे तो हमने आपको बताया क्या करना है भाई, एक को 15x मान लेंगे और एक को 17x, ठीक है। ये कौन है? तो ये है रंजना। ये कौन है? रंजना है। और ये कौन है? राखी है। तो रंजना भाई साहब और राखी भाई साहब, ठीक है। अब इनका 6 वर्ष पश्चात, तो हमने कहा था कि अगर जब भी कहा जाए पश्चात या बाद, क्या कहा जाएगा? पश्चात या बाद। तो कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद या पश्चात। तो 6 वर्ष जब पश्चात किया जाएगा तो हम दोनों में क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे, दोनों में 6 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 15x+6 हो जाएगा। दोनों में हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे, ठीक है। और राखी हो जाएंगे भैया, राखी भाई साहब हो गई 17x+6 वर्ष की, ठीक है, ये दोनों की आयु हो गई। इतनी समझ में आ गई? अब कह रहा है कि जब हम 6 वर्ष बाद देखते हैं तो इनकी आयु का अनुपात इतना है, यानी इनका अनुपात, तो इनका अनुपात हो गया 15x/6, अनुपात मतलब बटे, तो रंजना बटे राखी भाई साहब 17x+6 = 9/10, ठीक है। अब बाकी इधर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 150x, 10 का गुणा करेंगे ना, और 10 × 60 = 9 का गुणा कर लो तो ये हो गया 17 × 9 = 100 हो जाएगा 63, 153, 153x और +9 = 54, ठीक है। चलो घटा लो भाई, 153 में से 150 में से 153 निकलेगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/54 में से 60 में से 54 घटेगा तो 6 आ जाएगा, यानी कुल मिला के x बराबर कितना आ गया? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। पूछा क्या है? तो 6 वर्ष पश्चात रंजना, तो 6 साल पहले रंजना की आयु कितनी थी? तो यही रंजना है। और 6 साल बाद रंजना भाई साहब की आयु थी 15x+6, यानी 15x की वैल्यू कितनी आ गई है? तो x की वैल्यू 2 आ गई है, 2 यहाँ पर सब्ट्यूट कर दो और प्लस ये हो गया 6। 15 × 2 = 30 और 6 = 36, तो रंजना भाई साहब 36 साल की हैं, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी को इसमें कोई समस्या? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में बात आ गई, ठीक है। तो रंजना अनुपात दिया था तो 1 15x 1 17x मान लेंगे, 6 साल बाद कह रहा तो दोनों में 6 जोड़ देंगे, ठीक है। अब 6 जोड़ने का मतलब 15 × 6 = 21 नहीं हो जाएगा, यहाँ 15x है इसलिए जुड़ेगा नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात, यानी कह रहा है कि इतना बटे इतना बराबर कह रहा है कि 9/6 = 10 हो जाता है, अनुपात 9/10 हो जाता है। हल कर लिया तो पहले हम x का मान निकाल लेंगे, 6 साल बाद रंजना की, तो 6 साल बाद रंजना की आयु ये थी, बस x का मान यहाँ पे रख दोगे, जो आएगा वो 6 साल बाद रंजना भाई साहब की आयु निकल आएगी। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश लोकेश से 34 साल बड़ा है। चलो भाई, ठीक है, प्रकाश लोकेश से 34 साल, किससे? लोकेश से 34 साल बड़ा है, ठीक है, मतलब कि लोकेश की आयु नहीं पता है। अच्छा, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग इतना था, प्रकाश की वर्तमान आयु पूछ रहा, ठीक है। तो प्रकाश लोकेश से 34 साल बड़ा है, प्रकाश की आयु पता है? अगर लोकेश की पता हो, लोकेश की पता है? नहीं, लेकिन प्रकाश की पता है। कैसे? प्रकाश इसलिए पता है क्योंकि लोकेश से 34 साल बड़ा है।
प्रकाश लोकेश से क्या है 34 साल बड़ा है। तो अगर हम लोकेश को यक्ष मान लें तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि प्रकाश की जो आयु होगी वह हो जाएगी एक्स प्लस 34, यानी लोकेश से 34 साल ज्यादा, लोकेश से 34 साल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब 10 वर्ष पूर्व, अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, चलो तो 10 वर्ष पूर्व, चलो पूर्व मतलब पहले, यानी हम क्या करेंगे पूर्व वाले में घटाएंगे, किसमें, दोनों में, यानी जो लोकेश की जो आयु होगी, जो लोकेश की आयु होगी, तो लोकेश हमारे हो जाएंगे भाई एक्स, ठीक है, -10। तो ये लोकेश में हम 10 साल क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, दोनों में, ठीक है, दोनों में हम 10 साल क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें भी हम 10 घटा देंगे, यानी एक्स प्लस 34 और -10, दोनों में 10 घटा दिया तो 34 में से ये 10 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 24, यानी प्रकाश की ये आयु हो गई इतना हो गया, ठीक है। अच्छा 10 साल बाद ये दोनों की आयु हो गई। अब कह रहा है कि 10 साल 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, योग कितना है 48, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 48। चलो दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे, ठीक है, यानी लोकेश प्लस प्रकाश, तो लोकेश है यक्स -10 प्लस, ये लोकेश हो गए और इनकी आयु है एक्स प्लस 24, और दोनों को जोड़ देंगे तो कह रहा कितना हो जाएगा 48। क्लियर है, समझ में बात आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, तो यक्स -10 यक्स प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया, ये तो यक्स यक्स कितना हो गया, 2 यक्स हो गया, 24 में से 10 घट जाएगा, तो 24 में से 10 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई 14, और 14 उधर जाएगा तो घटेगा, ठीक है, ये प्लस में 14 आएगा ना, उधर जाएगा घट जाएगा, तो 48 माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 2x = 48, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है, x बराबर 2 से हम क्या करेंगे भाग, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 17 का आधा 17, 34 का आधा 17 वर्ष, ठीक है, ये x का मान है, ये किसका मान आ गया, यक्ष का मान आ गया, ठीक है। पूछा क्या है, प्रकाश की वर्तमान आयु, तो प्रकाश की जो वर्तमान आयु थी ये थी प्रकाश की वर्तमान आयु, तो प्रकाश की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी, तो प्रकाश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसमें हम 17, हम यक्ष का मान 17 रखेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 17 प्लस 34, तो ये हो जाएगा आपका 51 वर्ष, यानी 51 वर्ष के जो है वृद्ध हैं भाई साहब हमारे प्रकाश, तो 51 वर्ष हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे कह रहा बस वैसे आप करते जाओ, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप सभी को। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है, ठीक है, वर्तमान में कह रहा है कि प्रिया जो है राय से 6 साल बड़ी है, तो प्रिया बड़ी है, कितना बड़ी है 6 साल, किससे, राय से, ठीक है। प्रिया तथा मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ये कौन है, प्रिया है और मिनी है, ठीक है, वर्तमान में राय मिनी से 14 वर्ष क्या है, छोटा है, ठीक है, मिनी जो मिनी से 14 वर्ष क्या है, छोटा है, कौन, राय, ठीक, तो राय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पे आप क्या करोगे, ठीक है, यहां पर आपको किसका नहीं पता है, देखो ध्यान में रखो, प्रिया का पता है राय से 6 साल बड़ी है, यहाँ पे राय का भी पता है मिनी से 14 साल बड़ी, किसका नहीं पता है, मिनी का नहीं पता है, मिनी जिसका ना पता रहे उसी का आप मान लो, तो हम मान लेते हैं जो मिनी है वह मिनी यक्ष वर्ष की है, कितनी वर्ष की है, यक्ष वर्ष की है, ठीक है। अब अगर मिनी यक्ष वर्ष की है तो भाई राय कितने वर्ष के होंगे, तो जो राय बहन जी होंगी वह कितने वर्ष के होंगे, तो राय जो होंगे वह मिनी से 14 साल छोटे होंगे, मिनी से 14 साल छोटे होंगे, तो मिनी यक्ष वर्ष की है, तो मतलब ये यक्ष माइनस कितना होगा, 14 वर्ष का होगा, बात समझ में आ रही है, तो मिनी से 14 साल छोटा। अच्छा प्रिया क्या है, अगर हम प्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो प्रिया देखो यहाँ पर,
प्रिया राय से 6 साल बड़ी है। तो राय की आयु कितनी है? तो राय की आयु यक्ष माइनस 14 है, तो यक्ष माइनस 14 राय की आयु है, ठीक है। तो प्रिया 6 साल बड़ी है, तो 6 हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी यक्ष माइनस 14 प्लस क्या कर लेंगे, 6 ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर ये हमारा आ जाएगा 14 में से ये 6 निकल गया, तो यक्ष माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो, ये प्रिया हो गई। चलो भाई ये हो गए तीनों। अब पूछा है राय की वर्तमान, अच्छा इनमें अनुपात किसका था, प्रिया और मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात, ये सभी वर्तमान आयु है इनके, है ना, जैसे कह रहा था बस वैसे आप करते जाओ, ठीक है। अब कौन है, प्रिया बटे मिनी, प्रिया भाई साहब बटे मिनी भाई साहब, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3/4 है, कितना है, 3/4 है भाई, सभी को समझ में आ रहा है, प्रिया बटे मिनी बराबर कह रहा 3/4 के अनुपात में। प्रिया कितने की है, प्रिया है यक्स माइनस 8, प्रिया है यक्स माइनस 8 बटे मिनी कितनी है, तो मिनी है यक्स बराबर 3/4। अब इसको हल कर लो, ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 4x-4 6 32 = 3 का इधर मल्टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अच्छा 3x इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, किसमें घटेगा, 4x में से, तो 4x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, यक्स बराबर ये उधर जाएगा 32, 32 उधर जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32। यक्स किसको माना था, मिनी भाई साहब को, मिनी भाई साहब कितने वर्ष की हैं, 32 वर्ष की हैं, मिनी कितनी वर्ष की हैं, 32 वर्ष की हैं मिनी भाई साहब, ठीक है, क्योंकि यक्ष हमने किसको माना था, मिनी को, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा तो राय, लेकिन मिनी का नहीं पूछा है, किसका पूछा है, राय का पूछा है, तो राय हमारे भाई साहब हो जाएंगे एक्स माइनस 14, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 32 है, तो यक्स के प्लेस पर यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 32-14 यानी ये आ जाएगा, तो 12 में से 4 निकल गया भाई 8, और ये 1 यानी कितना हो जाएगा, 18 वर्ष, ठीक है। तो राय कितने साल के हैं, 18 वर्ष के हैं, ठीक है, तो राय है 18 वर्ष। समझ में बात आ गई, किसी को कोई समस्या इसमें, जैसे कह रहा था बस वैसे आप करते जाओ, ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी। अच्छा 27, 3 वर्ष पूर्व उनकी, पूर्व 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी, तो और पति एवं पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो पति की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है कि पति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पति है, पत्नी है और उनके बच्चे हैं जिनकी 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो यहाँ पे जो पति है, पत्नी है और बच्चे हैं, हम बच्चे को एक इकाई मान लेते हैं, एक इकाई मतलब एक यूनिट में एक, ठीक है। अब चाहे इस बच्चे में 2 हो 4 हो 10 हो चाहे जितने हो, हम बच्चे में एक यूनिट मानेंगे, ठीक है। तो उनकी औसत आयु 3 वर्ष पूर्व, तू 3 वर्ष पूर्व क्या थे, 27 साल थे, ठीक है, 3 साल पहले 27 वर्ष थी औसत आयु, तो आप क्या करोगे कि 27 में कितने यूनिट हैं, एक यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, ठीक है। तो कुल योग निकालोगे, तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो योग निकालने के लिए औसत इंटू कुल संख्या, यूनिट 3 यूनिट है और तो हम 3 यूनिट में औसत से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा लेकिन ये 3 वर्ष पूर्व है, 3 साल क्या है, पहले। अच्छा अब जब 3 साल पहले की जब बात होगी, तो 3 साल पहले बच्चे में भी 3 साल घटेगा, ये यानी इस बच्चे में भी 3 साल घटेगा, पत्नी में भी 3 साल घटेगा, पति में भी घटेगा, बात समझ में आ रहा है, केवल एक पे थोड़ी घटेगा, 3 साल पहले जब होंगे तो 3 साल पहले पति, पहले का मतलब घटाए गए, है ना, इतना तो आप समझते हो कि 3 साल पहले की बात है तो हम घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे किस में, सब में,
पति में भी पत्नी में भी बच्चे, क्योंकि 3 साल पीछे हम जाएंगे तो सब 3 साल पीछे होंगे ना, केवल एक तो होगा नहीं, तो 3 साल ये भी, 3 साल ये भी, 3 साल ये भी, तो कुल मिला के कुल कितना पीछे हो गए, 9 साल। बात समझ में आ गई ना, तीन इसका, तीन इसका, तीन इसका, तो हम कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा भाई 3 27 21, 81 में से ये 9 घट गया, तो ये 9 घट गया, तो ये आ गया आपका 72, कितना आ गया 72। इन यानी उनकी कुल आयु का योग कितना आ गया, तो योग आ गया आपका 72। क्लियर। अच्छा फिर कह रहा कि पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व, चलो ठीक है इधर भी आ जाओ पूर्व, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो पत्नी और बच्चे इसमें कौन कौन शामिल है, पत्नी और बच्चे, तो पत्नी और बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पत्नी और बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जैसे अगर एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लें, जैसे ये 27 जो है इनका क्या था, औसत था, ठीक है, 3 साल पहले औसत कितना था, 27, यहाँ 81 और ये 9, हमने 3 साल पहले की बात की। अगर मैं यही 9 जोड़ देता तो क्या होता, अगर मैं यही भाई उनके वर्तमान आयु का कुल योग अगर पूछा होता, अगर जोड़ देते तो क्या होता, यहाँ पे समझो, अगर हमने माइनस किया तो 3 साल हमने पहले की बात की है, ठीक है, अगर मैं यही जोड़ दूँ, यहीं पे जोड़ दूँ, तो मतलब ये तीन तीन जोड़ दिया तो ये वर्तमान नहीं हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि राहुल, राहुल 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पहले 40 साल का था, तो मतलब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना, तो 10 साल पहले 40 था, इसका मतलब वर्तमान समय में वह कितना है, 50 साल का होगा, तभी तो 10 साल पहले 40 का होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करें, वर्तमान, चूंकि वर्तमान आयु पूछ रहा है, पहले तो पूछ नहीं रहा, तो हम इसमें क्या करें कि हम जोड़ दें, अगर हम तीन जोड़ेंगे, तीनों का जोड़ेंगे, 3 साल पहले है तो 3 इसमें जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ दिया, तो ये वर्तमान यानी तीनों की वर्तमान आयु का योग आ गया, जिसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल हैं, तो ये जुड़ गया, तो ये हो गया आपका, अब यहाँ पर टोटल कुल कितना हो गया, ठीक है, 8 और 1 9, मतलब हो गया 89, 9 और 1 10 यानी हो गया 90, कितना हो गया 90। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि वर्तमान वर्तमान चले, है ना, पूर्व न चले, क्योंकि पूछा है पति की वर्तमान आयु। ये 90 वर्ष क्या है, ये वर्तमान समय में तीनों की आयु का योग है, समझ में बात आ गई, ठीक है। 9 हमने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हम 3 साल पहले नहीं जानते, हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो तीन, भाई ये 3 साल पहले की बात कर रहा था, तो हम 3 साल बाद की अगर हम बात करें, मतलब 3 साल और हम अगर जोड़ दें तो वर्तमान वाली आयु हो जाएगी। बात समझ में आ गई है ना, तो इसलिए जोड़ दिया, तो ये वर्तमान आयु का योग है, ये 90 वर्ष क्या है, वर्तमान आयु का योग है, वर्तमान आयु का योग है तीनों का, ठीक है, ये वर्तमान आयु है, योग है तीनों का, क्लियर है। अच्छा चलो भैया, पत्नी और बच्चे, पत्नी और बच्चे कितने साल, 5 वर्ष पहले 20 के थे, उनकी औसत आयु कितनी थी 20, यहाँ पे 2 यूनिट हैं, एक पत्नी है और एक बच्चे हैं, 2 यूनिट, तो हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कह रहा है ना, तो 5 साल पहले कह रहा है, तो अगर हम जोड़ दें तो वर्तमान आयु हो जाएगी, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी, तो 5 जब जुड़ेगा तो पत्नी में भी जुड़ेगा और बच्चे में भी जुड़ेगा, केवल एक में नहीं जुड़ेगा, तो हम 5 और 5 कितना जोड़ दें, 10, तो यहाँ हो गया 20 दूनी 40 और 10 50, यानी ये जो 50 वर्ष आया है, ये इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें पत्नी और बच्चे दोनों शामिल हैं, पत्नी और बच्चे क्या हैं, दोनों शामिल हैं, ठीक है, पत्नी और बच्चे, ये पत्नी और बच्चे की क्या है, वर्तमान आयु। तो अब अगर देखो, इसमें पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु है, अब अगर इस 90 वर्ष में जिसमें तीनों हैं, इसमें क्या है, पति है, इसमें क्या है, पति है
पत्नी है और बच्चे हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ इसमें से, अगर इसमें से ये पत्नी और बच्चे निकाल दूँ, तो पत्नी और बच्चे ये क्या है, 90 वर्ष क्या है, तीनों का वर्तमान आयु का योग है। अगर पत्नी और बच्चे, ठीक है यहाँ पर ध्यान से, अगर पत्नी और बच्चे इन दोनों को निकाल दूँ तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष है। अगर मैं इसमें से 50 घटा दूं 90 में से, तो भाई 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 40। ये बचेगा कौन, ये बचेगा पत्नी और बच्चे निकल गए तो बचा क्या, पति। कौन बचा, पति। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी है, ए वाला आंसर, यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ बी, तो ए वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 40 वर्ष। बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहाँ सबको समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर जहाँ जैसे ही कहे, जैसे कहे कि 3 साल पहले मेरी ये आयु थी, ठीक है, 3 साल पहले, 10 साल पहले, जो भी कहे, तो आप अगर उसी में उतना जोड़ दो जितना कह रहा है कि 10 साल पहले, 50 साल पहले या 2 साल पहले, ठीक है, तो 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, उस आयु में उतना जैसे ही जोड़ोगे वो वर्तमान आयु हो जाएगी, समझ गए ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए। राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, ठीक है, तो राम भाई, राम यानी अपने पुत्र का, तो इसका मतलब राम पिता है, तो पिता हमेशा पुत्र के क्या होंगे, बड़े ही होंगे, तो 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, तो 8 वर्ष बाद। तो मैंने आपको बताया था कि जब जब भी भाई पुत्र हमेशा क्या होगा, पुत्र हमेशा छोटा होगा, तो हमने पुत्र को मान लिया, या इसका मतलब जो राम है, राम यानी क्या है, पिता है, राम यानी क्या है, फादर है अपने पुत्र के, तो अब भाई वो कितने हैं, 3 गुना है, तो मतलब ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, राम यानी पिता जो है हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, 8 वर्ष बाद, अब बात हो रही है 8 साल बाद की, चलो 8 वर्ष बाद, अगर मैं कहूं कि 8 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का होगा, तो 8 साल बाद कहा जा रहा है, तो हम 8 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, राम में भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, यानी 3x+8, ये दोनों की 8 साल के बाद की आयु है, क्लियर है, कोई समस्या यहाँ पर, ठीक है। तो हमने राम पुत्र को मान लिया यक्ष, राम हो गए 3x, क्योंकि 3 गुना है, और 8 वर्ष बाद, ये 8 साल बाद x+8 हो जाएगा, और ये पिता जो है, राम जो है, वो 3x+8 वर्ष के हो जाएंगे, क्लियर, किसी को कोई समस्या, ठीक। चले अब कह रहा कि 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे समझिए, एक तरफ जो पिता है, पिता अर्थात राम, और एक तरफ पुत्र है, यहाँ पे हम बराबर कर दिया। अच्छा, पिता हमेशा बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं होगा पुत्र से, तो मतलब अब कह रहा है कि कितना गुना हो जाएंगे, तो राम जो है 2 गुना हो जाएंगे अपने पुत्र से 8 साल बाद, तो 2 गुना हो जाएंगे। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमने अभी आपको बताया था, जब भी अगर आपको बराबर करना रहेगा तो हमेशा पुत्र वाले में जितना गुना कहेगा उतना हम गुणा कर देंगे, तो पिता जो है 2 गुना बड़े थे अपने पुत्र से, तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पुत्र में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, पिता ये कौन से पिता हैं, 8 साल बाद वाले, तो 8 साल बाद वाले पिता की आयु कितनी है, 3x+8 है, और बराबर पुत्र की आयु कितनी है, तो x+8 है, और उसमें कितने का गुणा है, 2 का गुणा है, तो ये हो जाएगा 3x+8 बराबर 2 का गुणा कर लिया, तो 2x+16 हो गया, ये घट जाएगा, तो 2x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x में से 2x घट गया, तो क्या बचा, 1x, मतलब x, 8 उधर जाएगा, तो 16 में से 8 घट जाएगा, 16 में से ये 8 उधर जाएगा, तो 16 में से 8 घट जाएगा, तो 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 8। यक्ष कौन था, यक्ष पुत्र था, यक्ष कौन था, पुत्र, यक्ष को ही तो हमने क्या माना था, पुत्र को माना था, पूछा क्या है आपसे, पुत्र की वर्तमान, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 8 वर्ष, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चीजें अब आपको हो सकता है अब आसान लगने लगी होंगी, समझ में आने लगा होगा,
ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रवि के पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, रवि के पिता की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, मतलब रवि जो एक पिता है और रवि जो है उनके लड़के हैं। तो रवि हमने मान लिया, रवि अगर यक्ष हैं तो उनके जो पिता होंगे वो 4 गुने बड़े हैं भाई, 4 गुने हैं यानी 4 यक्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, सभी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु, चलो 5 साल पहले चलते हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अगर हम देखें, तो अगर हम 5 वर्ष पूर्व अगर आपसे पूछें कि 5 साल पहले रवि की आयु कितनी है, रवि की आयु कितनी है, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे मतलब ये हो जाएंगे भैया एक्स प्लस, तो सॉरी एक्स माइनस 5 हो जाएंगे, ये इतने वर्ष के हो गए रवि। तो उनके पिता कितने के होंगे, तो उनको भी हम 5 साल पीछे ले जाएंगे, 5 साल पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4 यक्ष माइनस 5 वर्ष हो जाएंगे। क्लियर है, किसी को कोई समस्या इसमें? ठीक है, किसी को कोई समस्या यहाँ पर? तो यक्ष माइनस 5 वर्ष हो गया और ये कितना हो गया, 4 यक्ष माइनस 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अच्छा ये 5 साल पहले, तो कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु रवि की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। अब यहाँ पे पिता पुत्र हैं, तो जब भी पिता पुत्र होंगे तो पिता हमेशा ही बड़ा रहेंगे, तो जब बराबर करना होगा तो जो जितना गुना कहेगा उतना हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 गुना थी। ठीक है, यानी रवि की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी, कौन, पिता। ठीक है, तो पिता बराबर करने के लिए हम पुत्र में 7 का, तो 5 साल पहले पिता कितने थे, तो 5 साल पहले पिता थे 4 यक्ष माइनस 5, और पुत्र कितने थे, तो यक्ष माइनस 5, 5 साल पहले और 7 का गुणा, तो 7 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 4 यक्ष माइनस 5 बराबर 7 का गुणा कर दिया, तो 7 यक्ष माइनस 7 25 35, दोनों में गुणा कर लेंगे, ये इधर आएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 4 यक्ष में से 7 यक्ष घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 यक्ष बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -30, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 3 दहा में 30, यानी यक्ष की वैल्यू क्या आ गई, 10। यक्ष कौन था, यक्ष रवि था, तो रवि कितने वर्ष के हैं, 10 वर्ष के। ठीक है, तो रवि के पिता कितने साल के होंगे, तो भाई 4 × x, x का मान कितना, 10, यानी रवि के पिता की जो वर्तमान है, ये कैसी आयु है, वर्तमान आयु, तो रवि के पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 साल, 40 साल मतलब रवि के पिता जो है 40 वर्ष के हैं। बात समझ में आ गई, कोई समस्या यहाँ पर किसी भाई बहन को? ठीक है, तो बहुत आसान है, समझ में बातें सभी आ रही होंगी। अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो दूसरे को शेयर भी करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 5 वर्ष पूर्व वर्णिका की आयु नमन की आयु की 4 गुनी थी। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक वर्णिका है और एक कौन है, नमन है, 4 गुनी थे। 10 वर्ष बाद वर्णिका की आयु नमन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो नमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्तमान आयु, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो चाहे आप 2 से करिए, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व वर्णिका की आयु नमन की आयु कितनी थी, 4 गुनी। ठीक है, 4 गुनी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं एक पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पहले बता दे रहा हूँ, तो भाई एक वर्णिका है और एक कौन है, नमन है। ठीक है, हमने मान लिया ये यक्ष वर्ष की है, ये कितने वर्ष के हैं, वायु वर्ष के हैं। ठीक है, तो 5 साल पहले ये कितने की हो जाएगी,
5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये हो जाएंगे भाई, ये एक्स माइनस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ये वाई माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर कह रहा है, अच्छा तो ये कितना था, 4 गुना था, कौन किसका 4 गुना था, बराबर कर दो। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा था कि जो वर्णिका की आयु है नमन की आयु की 4 गुनी है, यानी 4 गुनी ये ज्यादा है, तो हम 4 का अगर इसमें नमन में गुणा कर दें तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर। हमेशा उल्टा, बराबर करने के लिए हमेशा उल्टा करना पड़ता है। वर्णिका की आयु नमन की आयु की 4 गुनी, मतलब वर्णिका बड़ी है, कितनी गुनी बड़ी है, 4 गुनी बड़ी है, किससे, नमन से। तो जब भी बराबर करना हो तो उल्टा गुणा करना है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यक्स माइनस 5, ये हो जाएगा 4 वाई माइनस 4 पंचे 20, ये हो गया, यानी एक तरह से आ गया आपका यक्स। ठीक है, ये उधर जाएगा तो यक्स माइनस 4 वाई बराबर 5, इधर आएगा तो प्लस माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -15। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व, अब 10 साल पहले कह रहा है, तो अब 10 साल पहले में दोनों में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी एक वर्णिका हो जाएंगे यक्ष प्लस 10 और नमन हो जाएंगे वाई प्लस 10, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अगर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद वर्णिका की आयु नमन की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मतलब वर्णिका 2 गुनी हो जाएंगी, तो गुणा करेंगे तो हम क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं भाई। तो यक्स प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 वाई प्लस 20। ठीक है, तो एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10 उधर जाएगा, तो ये 10 घट जाएगा। क्लियर है, पूछा किसका है, नमन का, नमन का मतलब कौन, वाई। ठीक है, तो बस इसी के नीचे आप लिख लो एक्स माइनस 2 वाई बराबर क्या है, 10 है, तो घटा दो, क्या करोगे, घटानो घटाओगे, ये आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए भाई। माइनस हो जाएगा, घटाने पर ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया, कट गया, वर्णिका खत्म हो गई। वर्णिका का हमको निकालना नहीं, हमको निकालना किसका, नमन का। ठीक है, तो अब देखो ये -4y है, अब ये जो 2y है ये प्लस में हो चुका है, तो ये हो गया -2y, क्योंकि y वाला बड़ा है, तो 4y ये माइनस में से प्लस अगर घटेगा तो हमेशा माइनस वाले का चिन्ह, मतलब कि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह रखा जाएगा। 15 और 10 कितना हो गया, तो ये हो गया 25, कितना हो गया 25, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25/2, 25 2/2 का मतलब 12.5 साल, 12.5 वर्ष। तो नमन कितने साल के हैं, 12.5 वर्ष के हैं, 12.5 वर्ष का मतलब डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नमन जो है भाई साहब कितने के हैं, 12.5 वर्ष के हैं। क्लियर, कोई समस्या यहाँ पर किसी भाई बहन को? ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लगाइए, कहीं भी आप परेशान नहीं होंगे। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, जहां भी वर्तमान दिया हो तुरंत आप उनकी आयु का मान लेंगे, क्या, एक 3x और एक 4x। ठीक है, एक 3x हो गया, एक 4x हो गया। ठीक है, एक ए है और एक बी है, क्लियर है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। योग पूछ रहा है मतलब पूछ रहा है कि 3x+4x, ठीक है, 3x+4x यानी 7x का मान क्या होगा, आयु का योग यही होगा भाई, 3x+4x अगर हम जोड़ देंगे तो यही होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि 7x का मान क्या है, तो पहले तो आप पता करो कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, 10 वर्ष पूर्व, तो ये 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे, तो हम दोनों में की आयु में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 3x-10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x-10 हो जाएगा, तो दोनों 10 साल, तो 10 साल पहले ये 3x-10 का है और ये 10 साल पहले 4x-10 का है।
क्लियर है। अच्छा, कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की आधी थी, बी की आयु की आधी थी। कौन बी की आयु की आधा था? ए आधा था। तो बराबर करने के लिए हम किसको आधा कर देंगे? हमेशा उल्टा काम करते हैं, ठीक है। बराबर करने के लिए हमेशा अपोजिट वाला काम किया करो। ये हो जाएगा भैया 3x-10, 1/2 से गुणा करो। 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा। तो 4x का आधा कितना हो जाएगा? 2x। और 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। तो 2x इधर आएगा, तो यहाँ से 2x घट जाएगा, तो 3x में से 2x घट गया, तो कितना बचा x। और 10 इधर आएगा, तो 10 ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। पूछा क्या है? पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, योग कितना था? 7x था। तो 7x का मान 5, यानी दोनों की आयु का योग कितना है? 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, चलिए इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। ये सभी बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए हैं। 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो सुरेश की वर्तमान आयु, ठीक है, तो ये 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, चाहे आप ट्रिक से करो या चाहे अलग अलग एक्स वाई करके मान के करके चलो। आप कैसे करोगे, ट्रिक से करोगे या बताओ, तो सभी लोग कमेंट करें। ट्रिक से किया जाए या फिर ऐसे ही लगा दिया जाए, बताएं। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी, जो इसके पहले वाला ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 5 वर्ष पूर्ण वारिका की आयु, ठीक है, आधी थी, फिर 10 वर्ष बाद जो है दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। इसको भी आप ट्रिक से कर सकते थे, जो ट्रिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चले, तो यहाँ पे अनुपात है, तो वहां पे अनुपात क्या था? आधी, आधी का मतलब भाई 1/2 जैसे वहां पर था, है ना। तो 6 वर्ष पहले, तो आप क्या करो कि ये जो अनुपात है इसी को आप मान लो, एक हो जाएगा 6x, एक हो जाएगा 1/5x, क्योंकि दो लोग हैं, एक कमला है और एक सुरेश है। ये कमला है, ये सुरेश है, ठीक है। तो 6 साल ये पहले है, तो ये क्या है? 6 साल पहले है। तो अगर मैं कहूँ कि 6 साल पहले न जा करके वर्तमान आयु देखूं इनका, तो हम 6 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ रही है कि कमला में अगर ये 6x है, इसमें अगर हम 6 जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो मतलब ये वर्तमान हो गया। हम 6 साल पहले कहाँ गए? अगर घटाते तब तो पहले जाते, तो हमने जोड़ दिया तो वर्तमान हो गया। ये दोनों की वर्तमान हो गई, क्लियर है। अच्छा, ये वर्तमान हो गए। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 फिर जोड़ दो। 4 वर्ष बाद कह रहा है, 4 फिर जोड़ दो। अब 4 फिर जोड़ोगे तो ये अनुपात आ जाता है 11/10। कितना आ जाएगा? 11/10। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। तो 6x प्लस ये हो गया 10, ये हो गया 5x+10 बराबर 11/10। कितना हो जाएगा? 11/10, ठीक है। 10 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 10×60x+10 का इधर गुणा करोगे तो ये 100 हो जाएगा बराबर। 11 का गुणा इधर करोगे तो 11×55x और प्लस 11×110। 55 इधर आएगा, तो 55x में, 60x में से 55x घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5x। और 100 में से, 110 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 बचेगा। तो यक्स बराबर 5×1 का 5, 5×2 10, तो यक्स का मान कितना आ गया? 2। यक्स का मान कितना आ गया? 2। पूछा क्या था? सुरेश की वर्तमान, सुरेश मतलब दूसरा, और सुरेश की वर्तमान आयु, यही तो है भैया सुरेश की वर्तमान आयु। ये क्या है? सुरेश की वर्तमान आयु, क्योंकि हमने 6 जोड़ा था, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा 5×2+6, 5×2 10 और 6 16 वर्ष। यानी सुरेश की जो वर्तमान आयु है वह कितनी है? तो सुरेश की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। समझ में बात आ गई? फिर
फिर से समझ लीजिए, जिसको अभी डाउट हो, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक बार फिर से देखिए। भाई दो लोग थे, कमला भाई साहब थे और सुरेश थे, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात 6:5 है। कब? ये हैं 6 साल पहले, ये 6 साल पहले हैं, ठीक है, 6 साल पहले हैं, तो अनुपात में है। तो अगर हम 6x 5x मान लें, ये 6 साल पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु अगर हम पूछें, अगर हम दोनों में 6 जोड़ दें, हम पहले न जाएं, हम 6 इसमें जोड़ दें, तो ये वर्तमान आयु नहीं हो जाएगा? जैसे मैं कहूँ कि 10 साल पहले, या ये 6 वर्ष पहले की आयु है, ये 6 वर्ष पहले की आयु है, तो 6 साल बाद कितनी की? मतलब कि 6 वर्ष बाद की आयु, सॉरी फिर से समझिए, ये क्या है, ये है आपकी 6 साल पहले की आयु, ठीक है, 6 साल पहले की आयु। तो वर्तमान आयु क्या करेंगे, तो वर्तमान आयु में 6 जोड़ देंगे, तो आपका 6 जोड़ देंगे, तो वह वर्तमान आयु हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, अनुपात को 6x 5x मान लिया, ये हमने मान लिया, ये वर्तमान आयु है दोनों की, ये कमला की वर्तमान आयु है, ये इतने की। फिर कह रहा था कि 4 वर्ष बाद दोनों का जो अनुपात होगा, तो 4 दोनों में हमने जोड़ दिया, अनुपात कह रहा है इतना होगा, ठीक है। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान में रखें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और नहीं तो आप यक्ष और वाई करके आप मानो कि भाई कमला की आयु यक्ष वर्ष है, सुरेश की आयु वायु वर्ष है, तब भी आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, इससे स्टेप थोड़े से कम हो जाएंगे, अगर आपको बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो आप सभी को एक बार फिर से विशेष सूचना कि शनिवार को मैं लाइव हूँगा, आप सभी लोग जो है कम जो है आप लोग लाइव हो जाएगा, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, सर जो है अनाउंस कर देंगे, और मैं आपसे लाइव जो है जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आप कहना चाहते हो, जो सुझाव देना चाहते हो, वो आप लाइव सेशन के माध्यम से जो है दे सकते हैं, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।